आज हमने गांव वालों के साथ गंबर उठाऊ पेयजल योजना जो कोठी गांव के तथा कोठी पंचायत के लिए चली हुई है उसका निरीक्षण किया। वहां पर हमने पाया कि जहां जितना भी पेयजल योजना के ऊपर का कैचमेंट एरिया का वर्षा का जल निकासी का जल है वो सारा हमारा जो परकुलेशन वेल है उसके साथ जमा हो जाता है, क्योंकि जो नई स्कीम एक बनी है उसका उसका जो डंगा है ऊंचा कर दिया गया और उसका भी सारा ढलान हमारे परकुलेशन वेल की तरफ कर दिया और सारा पानी वहाँ पे इकट्ठा होकर वो पानी रिस कर हमारे कुएं में जा रहा है, जो कि बहुत ही गंदा पानी है और 20-25 दिनों से हमारे घरों में बहुत गंदा पानी आ रहा है और इस पानी की वजह से पूरे गाँव में महामारी का रूप लेती धारण कर रही है, जिससे कुछ लोग हमारे IGMC में भी दाखिल हुए इसी पेट की बीमारियों की वजह से और कुछ लोग हॉस्पिटल में यहाँ पर दाखिल हुए और दवाइयाँ खा रहे हैं। हमारे यहाँ गांव में गंदा पानी आ रहा है कई दिनों से, जब से बारिश शुरू हुई है और इसकी वजह से गांव में बीमारी फैल रही है। इसका कोई इसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा है, सारा गंदा पानी है, बाल्टियों में गंद जम गया, टंकियों में नहाने का लायक का पानी नहीं है, ना पीने लायक। पिछले 10-12 दिनों से जो पानी नीचे गंबर से हमारे को विभाग द्वारा दिया जा रहा है वो इतना गंदा है, वो पीने लायक नहीं है। इससे बीमारी फैल सकती है, जानवर बीमार हो सकते हैं, कुछ तो लोग भी बीमार हुए हैं। मेरा IPH विभाग से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इसकी जांच कीजिए, ये पानी कैसे आ रहा है। आप खुद देखिए आके, टैंकों में नीचे गाद जम चुकी है, नलकों से ऐसा पानी आ रहा है जिस बर्तन भी साफ नहीं कर सकते। और मेरा विभाग से भी रहेगा कि अपने उच्च अधिकारियों को भेजे, उस पानी की जांच करवाई जाए ताकि महामारी ना फैले। यहाँ हमारे यहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है कई दिनों से, जब से बारिश हो रही है, और ये पानी पीने लायक नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है। यहाँ सारे बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं, इससे पेट खराब हो रहा है सबका, और इसका निरीक्षण किया जाए, डिपार्टमेंट इसकी और ध्यान दे ताकि हमारे गाँव में अच्छा साफ पानी आ सके।